पूरे राजस्थान का एक सिंगल स्कूल है जो लिमिटेड सीट और लिमिटेड बैच पे काम कर रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि नवजीवन के एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को जब तक पेरेंट्स आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि क्लोज्ड इस तरीके से लिखा रहता है तो उसके बाद एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि पहले दो साल बेमिसाल फॉर द नवजीवन सी बी एस ई कैंपस नमस्कार दोस्तों मैं अतुल भारद्वाज नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से और किसी ने क्या खूब कहा है सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन और नवजीवन सीबीएसई स्कूल ने जो दो वर्षों में अपनी सक्सेस की जर्नी जो जारी रखी है वो आज भी अनवरत रूप से जारी है और आज हम रूबरू होंगे नवजीवन सीबीएसई स्कूल के एकेडमिक हेड मिस्टर लोकेश सर से और उनसे जानेंगे कि नवजीवन सीबीएसई स्कूल का जो क्रेज़ लोगों में है वो बहुत ही बेहतरीन है और ये भी जानेंगे कि सर सी स्कूल में आज सीकर में अगर नंबर वन पर अगर नवजीवन सी स्कूल है तो वो क्यों है तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर लोकेश जी सर थैंक यू सर सर पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि नवजीवन सी स्कूल हमेशा से ही क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर बिलीव करता है और ये फोकस हमेशा से ही रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर वी नो वेरी वेल स्मॉल बैचेज बिग सक्सेस छोटे बैच बड़ी सफलता है बिल्कुल सर। आज का टाइम है वो एक क्वालिटी एजुकेशन का टाइम है जी और अगर आज के टाइम में हम लोग क्वांटिटी पे बेस्ड होके काम करेंगे तो इंडिविजुअल बच्चे पे वर्कआउट नहीं नहीं हो नहीं हो पाता है। सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईच एंड एवरी पेरेंट है उनके ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा और नवजीवन ने ये काम पिछले सिक्सटीन ईयर से करे जा रहा है और सी में भी लास्ट टू ईयर से जो हम लोगों ने परंपरा आर में अपनाई थी वो की वो, वो सी में, जारी है है में जारी है और क्वालिटी एजुकेशन पे शुरु, शुरु से काम किया है क्योंकि क्यों अगर लिमिटेड बच्चों पे वर्कआउट करना है तो हमें क्वालिटी पे ही फोकस करना पड़ेगा और क्वालिटी पे फोकस करने के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में सीबीएसई में 90 प्लस परसेंटेज पेरेंट है दे आर टोटली सैटिस्फाइड तो ये अपने आप में ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छी, सर, अच्छी चीज़ है सर और सर इसी तरीके से मैं बोझ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिस हिसाब से सी बी एस ई ले चल रहा है अपने छोटे बच्चों के लिए जैसे जूनियर जंक्शन कहते हैं तो उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर मैं नवजीवन जूनियर जंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि एक सी बी एस ई स्कूल का ऐसा विंग जिसके अंदर सारे के सारे अपने आप में क्रिएटिव स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि यू नो कि आज के टाइम में आपको मुझे मोबाइल फोन अच्छे से नहीं चलाना आता होगा बट अपने जो तो बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन बहुत अच्छे से चलाना दिल्कुल आता दिल्कुल है तो क्यों ना हम उनकी जो एनर्जी है उनको एक पॉजिटिव वे में डायरेक्शन में डाइवर्ट करें और उस पॉजिटिव वे डायरेक्शन में हम लोग किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं उन बच्चों की क्लासेस के साथ साथ हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं जिससे वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके और उसमें वो परफेक्ट बनते हैं और एक्टिविटी ये जो बेस लर्निंग है वो शुरुआत से ही बेस उनका मजबूत क्योंकि लर्न बोला जाता है कि सर सीखना किसी भी उम्र में कम नहीं होता है तो ये चीजें आप शुरुआत से ही लेके चलते हैं बहुत क्लास नर्सरी है बच्चा हमारे यहाँ आया आने के साथ में क्लासरूम के साथ साथ में बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है स्टेज फेस करना है बच्चे को स्पोर्ट्स uh, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना है शुरुआत बच्चे बच्चे को किस तरह से विश करना है किस तरह से बात करना है हर एक चीजों पे फोकस किया जाता है जिससे कि बच्चा आगे चल के इन चीजों में हेजिटेट हेजिटेट फील फील नहीं नहीं करे करे बिल्कुल सही कहा और एक अभी सर प्री फाउंडेशन काफी चल रहा है तो प्री फाउंडेशन का मेरा आपसे सवाल यह है कि प्री फाउंडेशन को लेकर नवजीवन क्या क्या नवाचार कर रहा है और इसके अंदर किस तरीके से एक स्कूल की भूमिका रहती है और बच्चों में जो पार्टिसिपेशन करते हैं बच्चे वो किस तरीके से करते हैं सर प्री फाउंडेशन कंसेप्ट बेसिकली अप्लाई फॉर क्लास सिक्स टू टेंथ बिकॉज क्लास सिक्स टू टेंथ तक के जो स्टूडेंट्स हैं hmm. उनका एक, एक बेस बनने का टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन में अगर हम बच्चों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चले दोनों को साथ क्योंकि अभी जो हमारी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू के अकॉर्डिंग जितना भी जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन किया है उनका ये टारगेट है कि हमारा बच्चा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में स्ट्रॉग रहे वो जरूरी है और साथ ही साथ में बच्चा मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है कंप्यूटर सब्जेक्ट है बच्चा अदर लैंग्वेजेज है उनके अंदर भी इफेक्टिवली अपने आप को परफॉर्म करे और परफॉर्म करने के साथ साथ में बच्चा इस तरह से डील करे कि उसको किसी भी तरह के कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें फेस करते हुए उसको हेजिटेशन फील नहीं हो और प्लस जो एनसीआर का जो बेस है उस एनसीआर को लगभग थर्टी टू फोर्टी परसेंट डीप में पढ़ाना जिससे इन फ्यूचर जब बच्चा नाइन्थ में या इलेवेंथ क्लासेस में एंटर होता है तो उस टाइम में उसके बेस से रिलेटेड इशू नहीं होता आज अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को आई की कोचिंग करनी है तो उसकी फर्स्ट क्लास में ये सिखाया

ओलंपियाड्स में तो इसमें क्या रोल प्ले करता है कि स्कूल सर ओलंपियाड एग्जामिनेशन का मेन है कि इंटर स्कूल कंपटीशन होते रहते हैं। बच्चे का जोनल लेवल पे इंटरनेशनल शुरू ये सर क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता okay. है क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक सारी क्लासेज में ओलंपियाड एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, इसमें मनोबल बहुत बढ़ता है जी सर बच्चों का मनोबल बढ़ना बच्चा अपने आप को फेस करना ऑब्जेक्टिव हाँ। ओरिएंटेड बच्चे को प्लानिंग होना आप सोचो फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट है जी जी। वो ओमर सीट फिल अप कर रहा है वो बच्चा वो बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग के बारे में जान रहा है और तो एक सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर ये चीज होती है कि आपके बच्चा जो होता है वो जो रोल नंबर होता है उसका वो नहीं लिख पाता जी है जी सर आज अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल स्कूलिंग का बच्चा होगा वो टेंथ या ट्वेल्थ पास करने के बाद में भी ओम फिल करने में उसको एजिटेशन हाँ, हो एजिटेशन होता है और मेरे, मेरे यहां क्लास ऑनवर्ड बच्चे ओलंपियाड एग्जामिनेशन को आ, अप्लाई भी कर, कर रहे हैं फेस भी कर रहे हैं और उसमें अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं लगभग ये मान के चलो कि इस सेशन में अपन ने 500 प्लस फाइव हंड्रेड दैट्स ग्रेट सर 500 प्लस यस सर कंटिन्यू ऑलराइट सर सीबीएसई के अंदर जो अपना पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत ध्यान रखा जाता है तो स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि नवजीवन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट लेवल पे भी गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गए हैं और तो इसका आपके और कौन कौन से स्पोर्ट्स आप सर तो मैं में एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि पहले दो साल बेमिसाल फॉर द नवजीवन सी बी कैंपस हम लोगों ने एक सोचा नहीं था कि हमें इतनी अच्छी टीम, टीम इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे हाँ। जिन्होंने स्पोर्ट्स के बास्केटबॉल हो चेस हो योगा कंपटीशन हो फुटबॉल हो कबड्डी हो खो हो बैडमिंटन हो जितने भी जो स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन सारे स्पोर्ट टूर्नामेंट में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कोई स्टेट खेल के आए हैं कोई बच्चा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाइड करके आया है तो एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि विद इन टू ईयर में आपकी स्कूल ने यहाँ तक अचीव किया है और दो वर्षों का जो ये सफर रहा है ये जो सक्सेस की जर्नी रही है नवजीवन की ये बहुत ही उमदा रही है जी सर और इसके साथ ही साथ जैसे सर दूर दराज से बच्चे आते हैं जैसे कि कोई गांव से आ रहा है अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं एमपी से आ रहे हैं हरियाणा से आ रहे हैं तो पंजाब से आ रहे हैं तो इसके अंदर बच्चों की जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि हॉस्टल फैसिलिटी एक ऐसी होती है सर कि घर जैसा एक उनको एटमोस्फियर मिले तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ नवजीवन सी में क्या है सर जैसी नवजीवन की हॉस्टल फैसिलिटीज है जी जी मैं नवजीवन साइंस ग्रुप की बात करूंगा जी जी वैसी फैसिलिटीज पूरे सिक्कर में कहीं नहीं है क्यों नहीं है वी आर प्रोवाइडिंग अटैच लेट बाथ रूम

ट्यूशन और ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है बच्चा एक दूसरे से टीचर की हेल्प से क्योंकि उनके पास 24 फोर इंटू सेवन आवर्स कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर्स या मैनेजमेंट मेंबर्स है वो अवेलेबल रहता है और उसके साथ में बच्चे एसोसिएट होकर बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी की प्लानिंग्स करते हैं नहीं मैथ्स का खाना भी किस प्रकार से सर, सर मैथ का, का, का खाना खाने फुली हाइजेनिक है, है।, है। और जितनी बार भी मैथ ओवर होती है उसके बाद में क्लिननेस का है हाइजीन का है बच्चों का किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बाद में बच्चों ने किस तरह से वहाँ से डिस्पर्स किया हर एक चीजों पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जा रहा है जिससे कि बच्चे को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू नहीं वी नो वेरी वेल हेल्थ इज वेल्थ और जब बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, डेफिनेटली बच्चा स्टडी में भी रहता है उनको हम लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देते हैं और उस टाइम में मैनेजमेंट स्टाफ और साथ ही साथ नीड होती है तो टीचिंग स्टाफ भी अवेलेबल होता है जिससे बच्चे के कोई भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स बच्चा इजीली इजिली क्लियर कर सकता है तो उस बच्चे के किसी भी तरह की कोई इश्यूज नहीं आते जी सर सक्सेस जर्नी जो रही है वो सक्सेस अगर है तो वो आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो सर रिजल्ट नवजीवन सीबीएसई का क्या रोल प्ले करता है सर रिज़ल्ट ऑलवेज सब इंस्टीट्यूशन के लिए ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर है उनका फर्स्ट डे से मोटिव यही रहता है कि हमें बच्चों के अकेडमिक पे ए वन परसेंटेज या Means, ऐसी के साथ वर्कआउट करना है कि बच्चे के पेरेंट और बच्चा खुद सेटिस्फाइड पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मेरिट दी है और हम सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने जो रिजल्ट आरबीएससी में दिया है वही रिजल्ट हम सीबीएसई में भी जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने टेंथ क्लास में

क्योंकि बच्चों को जब तक पेरेंट्स आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है सिंपल प्रोसीजर तो ये सर, है।, right. हम लोगों का यह है सर कि बच्चे का रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ में उसकी काउंसलिंग होना जी सर ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट ईयर में हम लोगों के ट्वेंटी अप्रैल टू 22 को और 21 अप्रैल 2023 को और ट्वेंटी क्लोज हो गए थे। यस सर इट्स अ बिग अचीवमेंट कि पहले साल और दूसरे साल अप्रैल में हम लोगों ने एडमिशन क्लोज कर लिए थे जी जी। क्योंकि पूरे राजस्थान का एक सिंगल स्कूल है जो लिमिटेड सीट और लिमिटेड बैच पे काम कर रहा है। और हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ इवन वन एक आ, बहुत सारी भी आई, लेकिन हमने उसको करते पे फोकस करते हुए, हुए पे हम लोगों ने प्रोसेस किया। तो ये के के लिए और वन सीकर के लिए और एक बड़ा अचीवमेंट अचीवमेंट। था कि पहले साल में किसी स्कूल के अंदर 1100 प्लस होना और दूसरे फर्स्ट यस सर फर्स्ट अंदर ही इलेवन प्लस एडमिशन होना इलेवन टोटल एग्जैक्ट एडमिशन थे अपने और दूसरा सेकंड ईयर में फिफ्टीन हंड्रेड क्रॉस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात बहुत, होती बड़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये चीज़ें बहुत जरूरी भी होती है और जैसे सर सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की जो मानसिक और शारीरिक जो प्रक्रिया रहती है विकास रहता है जिसे बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट तो उसके ऊपर नवजीवन सी सी किस प्रकार से काम कर रहा है सर होलिस्टिक डेवलपमेंट की जहाँ भी बातें होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट का मीन्स ये होता है बच्चे का मेंटली बच्चे का फिजिकली बच्चे का एनवायरमेंटली प्रोग्रेस होना चाहे उसके लिए आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑप्ट करनी पड़ रही है कोई आपके लिए उसके लिए रीडिंग राइटिंग की अलग से स्किल्स डेवलप करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक होलिस्टिक मतलब डेवलपमेंट पे काम, काम कर, कर रहे हैं मीन्स मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट है, है उस वो कहीं भी किसी भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन में बैठ रहा है या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जा रहा है तो वो अपना हंड्रेड दे रहा है और दे आर सेटिस्फाइड, totally right. hmm. जीतना हारना ये लाइफ में चलता ये रहता है जीवन की हमें चलते रहना है चलते रहना है जिस तरह से संस्कृत में बोलते चरे व्य चरे तो चलते रहो चलते रहो साथ में आपकी प्रोग्रेस भी होती जाएगी अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल आ, सर ने जैसा कहा कि जितनी भी ये जर्नी रही है आ, नवजीवन सीबीएसई की दो साल की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है और इस जर्नी में नवजीवन ने बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को छुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा नवजीवन सीबीएसई के एकेडमिक हेड मिस्टर लोकेश सर का जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी और नवजीवन ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहे प्रगति करता रहे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जी सर थैंक यू